कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक की पहले पाठ को पढ़ रही हूँ, जिसका नाम है शब्द परिचय। इस पाठ का नाम पुरानी किताबों में अकारांत पुल्लिंग भी है। पुरानी किताब के पाठ में और इस किताब के पाठ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल पाठ का नाम परिवर्तित हुआ है। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अकारांत शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जैसे राम, बालक, छात्र आदि। इसमें बताया गया है कि इसमें पुल्लिंग शब्दों के साथ साथ सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और साथ साथ क्रिया व तीनों वचनों का भी प्रयोग किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि धातुएं क्या होती है। तो धातुएं वे होती है बच्चों, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि हम हिंदी में क्रिया हम क्रिया पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में क्रिया को ही हम धातु कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना आदि। स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम अब पाठ पढ़ते हैं। एषः कः, एषः यानी कि यह और कः यानी कि क्या। एषः, यह, कः, क्या है, यह क्या है। आपको जो गिलास दिखाई दे रही है वह पास दिखाई दे रही हमें, इसलिए हम जो भी वस्तु अगर पास होती है तो उस वस्तु के प्रयोग के लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः यानी गिलास। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। किम का अर्थ होता है क्या, एषः यानी कि यह, बृहत् यानी कि बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। न यानी कि नहीं, एषः यानी कि यह और लघु यानी कि छोटा, नहीं यह छोटा है। अब हम पढ़ेंगे सः कः। आप देख रहे हैं कि जो गिलास है वो पास की वस्तु है, तो इसके लिए हमें एषः का प्रयोग किया हमने। और जो आपको चित्र में दिखाया गया है कि जो चित्र दिखाया गया है वह दूध दिखाई दे रहा है हमें, तो इसके लिए हम सः का प्रयोग करेंगे। पास की वस्तु के लिए एषः और दूर की वस्तु के लिए सः, ठीक है। सः कः यानी कि वह कौन है। सः यानी कि वह। सः का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए शब्दों के लिए करते हैं। कः यानी कि कौन है, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। किम मतलब क्या, सः यानी कि वह, खेलति यानी कि खेलना जो है वो धातु है। क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतौ कौ, यह दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या यह दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चे भुक्कतः, नहीं यह दोनों भूखते हैं। तौ कौ, तौ यानी कि वह दोनों। वो वह दोनों कौन हैं। तौ बलि वर्दौ स्तः, वो दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वो दोनों भागते हैं। किम यानी कि क्या, तौ यानी कि वे दोनों, और धावतः यानी कि भागना, क्या वो दोनों भागते हैं। न तौ क्षेत्रं कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। एते कई, ये सब क्या हैं। एते यानी कि यह सब, कई यानी कि ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या यह
हरे रंग के हैं। हरित वर्णः यानी कि हरे रंग के हैं। नहीं, एते नील वर्णः सन्ति। नहीं, यह नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति। वृद्धा यानी कि वृद्ध। ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वे हंसते हैं।